60 का प्रोफेसर बोल रहा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा इस काम को करने के बाद कोचिंग वाले स्ट्रगल में सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई होती है यहाँ आने के बाद आपको पढ़ाई भी करनी है बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना है जैसे मेरी जेई मेन में, में थ्री फोर नाइन थ्री रैंक थी। गेटिंग ऑल दी एन आई टीज

इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस माय सेल्फ इस मधुकर मिश्रा आई एम फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस आई जॉइंड हियर इन 2009 एंड माय एरिया ऑफ रिसर्च इज पार्टिकल फिजिक्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड हाई एनर्जी फिजिक्स आई एम करंटली टीचिंग टू पोस्ट्सिस ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर एंड आई हैव फ्यू पीएचडी स्टूडेंट्स दे आर रजिस्टर्ड अंडर माय सुपरविजन जी 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 और सर आपने जैसे आईआईटी से अपना कुछ करा है बिट से कुछ करा है वो बताइए यस आई विजिटेड आईआईटी आईआईटी गांधीनगर आई फ्यू मंथ बैक आई हैड डिलीवर्ड वन लेक्चर देयर एंड आई एम आल्सो डूइंग सम रिसर्च वर्क बाय कोलैबोरेटिंग विथ अदर कैंप बिट्स तो सर जैसे हमारे बहुत सारे एक्सपेरियंट्स हैं जो बिट्स में आना चाहते हैं जो बिट्स में आई में जाना चाहते हैं स्पेसिफिकली अगर बिट्स की हम बात करें जो बिट साइड एक्सपेरियंट्स है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे मैं सजेस्ट करूँगा कि बिट्स में अप्लाई करें और बिट्स का सिस्टम काफ़ी अच्छा है मैं बिट्स के सिस्टम को काफ़ी लाइक करता हूँ इवन मेरी फैमिली बहुत लाइक करती है और लाइक करने के कई सारे कारण हैं बिट्स के सिस्टम में ग्रेविटी है बिट्स की मैनेजमेंट अच्छी है और बिट्स में चाहे हम टीचिंग की बात करें चाहे हम रिसर्च की बात करें या ओवरऑल डिसिप्लिन की बात करें हर मामले में बिट्स जो है मस्ट बेटर है एज़ कम्पेयर टू सो मैनी अदर प्लेसेस दिस इज़ माय ओन व्यू एंड सो हम तो कहेंगे कि बिना किसी डाउट के लोग uh, बिट्स में एडमिशन uh, जो है लेने का प्लान कर सकते हैं और बिट्स में थोड़ा सा उतनी ज़्यादा चकाचौंध आपको नहीं मिलेगी लेकिन बिट्स में आपको क्वालिटी मिलेगी hmm. बिट्स में आपको अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे मेरिटोरियस स्टूडेंट मिलेंगे बिट्स का सिस्टम मैं काफ़ी पसंद करता हूँ कई सारी चीज़ें जैसे जीरो अटेंडेंस पॉलिसी यहाँ की नंबर वन है इंडस्ट्री से बिट्स का जो लिंकेज है वो बहुत अच्छा है मोस्ट ऑफ द प्रोफेसरस यहाँ पे अच्छे हैं काफ़ी अच्छे हैं

होता है बट फाइनली कुछ कंक्लूड नहीं होता है अच्छा कि इसको रखा जाए या इसको रिटेन किया जाए लेकिन फाइनली yeah. यही डिसीजन लिया जाता है चलो ऐसे चलने देते हैं हाँ, दिस इज ओके ओके सो आई थिंक दिस इज गुड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन सम अदर एरियाज दे आर नॉट अटेंडिंग क्लासेस ओके फाइन बट दे आर डूइंग समथिंग वेरी स्पेशल समथिंग वेरी गुड इन सम अदर एरिया या फॉर दोज स्टूडेंट आई थिंक दिस इज कंप्लीटली ओके

अगर तुम क्लासरूम से हो प्रेजेंट कहां पे हो मेरे को वो बता दो अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज पोल रहे हो या मतलब अपने अपने एजुकेट कर 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 रहे हो, या अपने आपको अपस्किल कर रहे हो हो या अपस्किल भाई कर लो कोई बुरी बात नहीं है बट हॉस्टल में बैठ के सो रहे हो या ने नेटफ्लिक्स देख रहे हो फिर कोई मतलब नहीं है तो सर जैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजों की बात हुई तो जैसे बिट्स में बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप में बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑनटरप्रीनरशिप में बहुत अच्छा कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग एक नई पॉलिसी आई है जिसमें गैप गैप ईयर ईयर वाला वाला सिस्टम सिस्टम? है, है, yes. है उस आपके क्या हैं वो 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 जो आई थिंक बहुत अच्छी पॉलिसी है, वो के लिए भी है, और फैकल्टी के लिए भी है फैकल्टी वन ईयर गैप ले करके अच्छा फैकल्टी के लिए भी है फैकल्टी के लिए भी है कुछ लोग जॉब करने वाले होंगे कुछ लोग जॉब देने वाले होंगे सिस्टम तभी चलेगा अगर जॉब देने वाले कम है इंटरप्रन्य कम है और जॉब लेने वाले बहुत ज्यादा है तो सिस्टम अच्छी तरीके से रन नहीं करेगा तो हमारे केस हम लोगों की कंट्री में ऐसा ही हो गया था पास्ट में कि जॉब तो बहुत ज्यादा हो गए थे बट जॉब गिवर्स जो हैं वो उनकी संख्या काफी कम हो गई थी तो अब आई थिंक सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है और हमें लगता है ये बहुत अच्छा है मानता हूँ सारे स्टार्टअप पास नहीं होंगे बहुत सारे स्टार्टअप फेल भी होते हैं लेकिन होने दीजिए अब तो हम फेल होने के डर से हम स्टार्टअप शुरू ही नहीं करेंगे ऐसा तो ठीक नहीं है ना हमको तो शुरू करना चाहिए कुछ फेल होंगे उनको होने दीजिए कुछ तो एटलीस्ट पास होंगे बिल्कुल। कुछ बहुत अच्छा करेंगे उसमें तो सर जैसे आप आ, मतलब आपने काफ़ी कंट्रीज आपने मेरे को जब हम बात कर रहे थे तो बताया था आपने बहुत सारी कंट्रीज विजिट कर फ्रांस स्विटरलैंड यूएस तो तो सर जैसे आपने इतनी सारी कंट्रीज आ, आप मतलब हम वही बात करते हैं लोकल माइंड और ग्लोबल माइंड की है ना सर तो सर आपने क्योंकि इतना सब कुछ देखा है तो आपको काफी एक्सपोजर हुआ है चीज़ों को लेके yes. तो सर आई थिंक आपका क्या ख्याल है वट वुड यू लाइक टू से टू आर व्यूअर्स कि एक्सपोजर को लेके आपका क्या थाट है कि हमें यू you नो know, कैसे एक्सपोजर लिया जाए अलग अलग चीज़ों का हाउ टू एक्सपोज योर सेल्फ टू एक्सपीरियंस यस यस आई थिंक बिट्स का सिस्टम काफी ग्लोबल है और भी ग्लोबल होने जा रहा है आने वाले टाइम में ओके okay. मैनेजमेंट की पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही है कि स्टूडेंट को और अच्छा एक्सपोजर मिले पूरे दुनिया का एक्सपोजर मिले ग्लोबल एक्सपोजर मिले अभी भी मिल रहा है बट और अच्छा करने की कोशिश की जा रही है तो एक्सपोजर oh. बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर बी टेक स्टूडेंट को मच बेटर एक्सपोजर मिलता है एज़ कम्पेयर टू सो मैनी अदर स्टूडेंट्स मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ और जहाँ पे रह रहा हूँ आई तो थिंक उसमें मैं एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ मैं घर से निकला बी एच यू पहुँचा और उसके बाद बहुत सारे प्लेसेस विजिट किया यहाँ आने के बाद और कई सारे प्लेसेस विजिट किया hmm. बहुत सारी चीज़ें मैं नया सोचता हूँ और मैं ये कर प, ये इसलिए कर पाता हूँ कि hmm. बहुत सारे प्लेसेस मैंने विजिट किया है hmm. और बिल्कुल ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट रख करके आपको चीज़ों को व्यू करना है सोचना है ऑब्जर्व करना है उससे सीखना है जी सर जी सर आपको दिल और दिमाग दोनों को ओपन करके ये सब सारी चीजें करनी है अगर आप बंद करके पूरी दुनिया घूम लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है ट्रू ट्रू बट आप माइंड एंड हार्ट दोनों को ओपन रखिए mm. और उसके बाद चीजों को ऑब्जर्व कीजिए उनको सीखने की कोशिश कीजिए और उसको बांटने की कोशिश कीजिए बिल्कुल बिल्कुल तो, तो आपको बहुत मजा भी आएगा आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और स्टूडेंट को उससे बेनिफिट भी बहुत होगा एक्सपोजर आई थिंक बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज है यस सर बिकॉज मैंने मैंने ये पॉइंट सर इसलिए भी रखा बिकॉज जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था बिट्स वर्सेस आई आई टी का yes. और उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी जैसे मेरी जेई मेन e में थ्री फोर नाइन थ्री रैंक थी तो आई वॉज गेटिंग ऑल दी एन आई टीज बट मैंने बिट्स प्रेफर करा तो so, yes. उसमें एक पॉइंट रखा था कि फॉर एग्जाम्पल एन आई टी में स्टेट रिजर्वेश yes. तो आपको फिफ्टी परसेंट तो एक ही स्टेट के लोग मिलेंगे बिट्स yes. में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है तो so, मैंने yes. ये पॉइंट रखा था कि मेरे को एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा तो so, मेरे लिए एक्सपोजर वॉज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर कमिंग टू बिट और कुछ लोगों ने कमेंट करा अरे तू पढ़ने जा रहा है एक्सपोजर लेने जा रहा है so, yes, नहीं, 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 सो वो लोग इंपॉर्टेंस मीनिंग को नहीं समझते हैं लोग डिग्री को सिर्फ इम्पोर्टेंस देते हैं सिर्फ ये डिग्री हमको मिल जाएगी तो उससे हम सब कुछ कर लेंगे डिग्री का इम्पोर्टेंस है लेकिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं है डिग्री के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए आपको एक्सपोजर होना चाहिए आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि डिग्री आपको बाहर निकल करके उस डिग्री को आपको डिफेंड भी करना है hmm. आपको कंपटिशन्स देने हैं आपको शो करना है कि मैं इस डिग्री लायक हूँ मैंने अच्छे से पढ़ाई किया है मैंने ढंग से आ, एजुकेशन लिया है जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते बाहर निकल करके तब तक उस डिग्री का इम्पॉर्टेंस नहीं है हम लोगों की कम्युनिटी में ज़्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको लगेगा कि वो एम कर लिया उसके बाद बस फटाफट सब कुछ हो जाएगा बी कर लिया फ़टाफट सब कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है आपको जो भी डिग्री लेनी है उसके अकॉर्डिंग अपने को आपको चेंज लाना अपने में आपको चेंज लाना है मार्केट के अकॉर्डिंग आपको ढालना है कैसे बीटेक करने के बाद Uh, किस किस टाइप की स्किल सेट आपके अंदर होनी चाहिए mm. आपका इवन आपका बिहेवियर भी मैटर करता है mm. आपका एक्सपोजर से आपका बिहेवियर चेंज होता है आपके sure. बोलने का ढंग आपके चल, आपके चलने का ढंग आपके हर चीज का ढंग चेंज होता, उसके गाड़ी। mind, mind होता है उसके अगर वो सब सारी चीजें आप गेन नहीं करते हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें नहीं लगता उससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है जहां तक रिजर्वेशन की बात है तो ये भी एक बिट्स की खासियत है कि बिट्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है सिर्फ बोर्ड टॉपर के लिए सीटें फिक्स है यहाँ पे और किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है तो यहाँ जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनमें से किसी के किसी दूसरे स्टूडेंट के प्रति कोई हीन भावना या कोई गलत विचार या कोई गलत चीज़ नहीं आती है सभी सभी बराबर हैं सभी इक्वल हैं यहाँ पे कोई किसी भी कास्ट का हो आ, कोई किसी भी यानी किसी का कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड ही क्यों ना हो बहुत हाई फाई इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्यों ना हो लेकिन सभी लोग यहाँ पे बराबर हैं तो इससे स्टूडेंट के माइंड में जो मैसेज जाता है आई थिंक वो बहुत ही अच्छा जाता है और बहुत सारी एन हैं आई हैं वहाँ का भी सिस्टम अच्छा है लेकिन ये रिजर्वेशन वहाँ की आई थिंक uh, बहुत इंपॉर्टेंट इशू uh, है एक साइड से बहुत अच्छे फैकल्टी वहाँ पहुँचते हैं दूसरे साइड से बहुत अच्छे नहीं पहुँचते हैं एक साइड से बहुत अच्छे स्टूडेंट वहाँ पहुँचते हैं मेरेटोरियस स्टूडेंट पहुँचते हैं दूसरे साइड से बहुत अच्छे नहीं पहुँचते हैं hmm. तो इस तरीके से कई कैटेगरी वहाँ हो जाती है hmm. लेकिन बिट्स का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है अच्छा स्टूडेंट्स और फैकल्टीज दोनों के लिए अप्लाई होता है दोनों के लिए अप्लाई होता है नो रिजर्वेशन पॉलिसी दोनों के लिए अप्लाई होता है वही मैं कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी चीज है बिट्स में है ना लेकिन वही है कि जब हम बिट्स में आ जाए या फिर किसी भी कॉलेज में चले जाए तो उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बोलें कि हाउ दे कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर कॉलेज लाइफ और अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे बेस्ट बना सकते हैं उसके लिए कोई टिप्स देना चाहें आप हाँ अक्सर होता है कि स्टूडेंट दो साल की कठिन तैयारी के साथ आते हैं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो थोड़ा सा दूसरे मूड में होते हैं अक्सर देखा गया है कुछ दिन तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते हैं बट uh, हमें लगता है कि नहीं छोटा सा ब्रेक ले करके मानता हूँ थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए थोड़ा सा ब्रेक ले कर के पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए सीरियसली करना चाहिए क्लासेज अटेंड करनी चाहिए सारी चीज़ें को सीरियसली करना चाहिए ये बहुत ज़्यादा गैप कर देना और पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देना कुछ स्टूडेंट मेरा मानना है कि करीब फाइव टेन परसेंट स्टूडेंट बहुत पुअर परफॉर्म करते हैं अक्सर एडमिशन लेने के बाद ये आई थिंक बहुत ही बैड थिंग है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और सिस्टम कॉलेज का ऐसा है कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो फाइनली आपको तो बहुत सारे ट्रबल होने वाले हैं आने वाले टाइम में आपका सी जी हो जाएगा आप ए में चले जाओगे तो बहुत सारे ट्रबल होने वाले हैं तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा गैप ले करके और फट से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए और लाइफ को भी अपना यहाँ पे एंजॉय कीजिए वीकेंड में थोड़ा सा लाइट रखिए अपने को और उसके बाद वीक भर अपना नॉर्मल क्लास लीजिए असाइनमेंट कीजिए ट्यूटोरियल टेस्ट दीजिए सब कुछ कीजिए वीकेंड में फिर अपना आराम से लाइफ को थोड़ा एंजॉय कीजिए तो दोनों मिक्सअप करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपकी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ बैड होगी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ बहुत अच्छी होगी आपको थोड़ा मैनेज करना है मैनेज करने आपको आना चाहिए टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम घर से दूर निकलते हैं वो भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं लेकिन ठीक है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही है और आएंगे भी और आने देना चाहिए उनको लेकिन उनको 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 फेस करना है उनको छोड़ करके भागना नहीं है उसको फेस करना है बिल्कुल सही बोला सर ने प्रॉब्लम्स को फेस करना है और प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी ही चाहे आप स्कूल में हो

पास आओ ना? का लिंक में. So sir, कर, तो सर मैंने अभी नोटिस सीमा से ज्यादा सीरियस होकर के भी तो काम नहीं हो पाता है आपको मेहनत करनी है चैलेंजेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे इसमें कोई दौरा नहीं है एडमिशन लेने के बाद एडमिशन लेने के पहले आपको लगता है बस फटाफट एडमिशन हो जाएगा उसके बाद तो सब कुछ फटाफट हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ आने के बाद आपका एक नया टाइप का स्ट्रगल शुरू होता है लेकिन यहाँ का जो स्ट्रगल होता है वो उस कोचिंग वाली स्ट्रगल से काफ़ी अलग होता है कोचिंग वाले स्ट्रगल में सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई होती है यहाँ आने के बाद आपको पढ़ाई भी करनी है बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना है बहुत सारे एंशन बहुत सारे फंक्शंस बहुत सारे फेस्टिवल्स सब कुछ होते हैं उसमें भी आप अपने को इन्वॉल्व करके एक बैलेंस लाइफ आप जी सकते हैं और कितनी भी कठिन पढ़ाई क्यों ना हो कितना भी कठिन एग्जाम क्यों ना हो सबको आप फेस कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं तो उस कोचिंग लाइफ से बिल्कुल अलग की लाइफ है यहाँ पे अलग चैलेंज अलग अलग चैलेंजेज हैं और और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में चलती रहती हैं इन पैरल टू दैट सो इसलिए आप मस्ट बेटर लाइफ जी सकते हैं एज कंपेयर टू तो वट यू हैव ऑलरेडी लिव्ड ड्यूरिंग योर कोचिंग टाइम एंड सर अगर हम एक मैसेज यू नो अगर हम पेरेंट्स की की नज़र से देखें कि अ uh, बिकॉज़ क्या होता है 12 तक बच्चे साथ में रहते हैं तो यू नो पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल या फिर पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ मतलब एक बच्चा कभी भी आके बात कर सकता है पेरेंट्स बहुत क्लोजली रहते हैं बच्चों के साथ बट देन कॉलेज में आके थोड़ा सा एक यू you नो know, एक गैप आ जाता है yeah. तो आपको क्या लगता है कि हाउ हाउ शुड पेरेंट्स थिंक इन दैट टर्म्स की है ना कि अपने mm -hmm. बच्चे सही mm -hmm. रहे कॉलेज में जाके बिकॉज बिकॉजेंडेंस तो उनको मिलेगी और तो, तो हाँ उस इंडिपेंडेंस नहीं इंडिपेंडेंस का सही यूज़ कैसे करें वो कैसे पेरेंट्स इंश्योरेंस हाँ नहीं बात सही है पेरेंट्स को एक बार जब बच्चे घर से निकलते हैं तो चिंता होती है और चिंता होनी भी चाहिए इसमें कोई दौरा नहीं है लेकिन यह है कि इसमें एक बीच का रास्ता निकाल करके काम करना होता है बच्चों को भी प्लस पेरेंट्स को भी आ, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बच्चों को बाहर हमको निकालना ही पड़ेगा बच्चों को घर में बैठा करके और बहुत कुछ बच्चे हमारे कर नहीं सकते हैं वो तो इसलिए बच्चों को छोड़िए बच्चों को बाहर जाने दीजिए उन पर वॉच रखिए वो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उनसे फ़ोन करते रहिए उनसे बातचीत करते रहिए लेकिन अब इतना भी फ़ोन और बातचीत मत कीजिए कि बच्चे कुछ कर ही ना पाए आप ही से बात करते रहें ऐसा भी नहीं है थोड़ा सा विश्वास भी कीजिए उनसे उन पर और उनको अच्छी तरीके से काउंसलिंग कीजिए उनसे अच्छी तरीके से बातें कीजिए तो स्टूडेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहें ऐसा ना सोचें कि बस अब घर से निकल गए हैं तो पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है अल्टीमेटली ये एज ऐसी होती है इसमें बच्चे पूरी तरीके से मेच्योर होते नहीं हैं मानते अपने को पूरे मेच्योर हैं लेकिन वो होते नहीं हैं तो इसलिए गार्जियन का जो गाइडेंस है आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कभी बार होता है माँ बाप बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं तभी बच्चे डर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें बताते नहीं हैं वो वो भी सिचुएशन अच्छी नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करते हैं वो मान लेते हैं बस बेटा बेटी का एडमिशन हो गया अब तो बेटा बेटी बढ़िया हाई फाई बन करके वहाँ से निकलेगा जबकि ऐसा नहीं होता है उस पर केयर उन उनकी केयर करते रहना चाहिए बाहर निकालने के बाद बाहर निकलने के बाद भी इस केयर को रा, रादर दिन कंट्रोल की जगह गाइडेंस हाँ कंट्रोल की जगह गाइडेंस होना चाहिए कम्प्लीटली आई कम्प्लीटली एग्री गाइडेंस होना चाहिए और गाइडेंस ऐसा होना चाहिए कि कल को इनकेस कोई प्रॉब्लम आए बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे और सारे इशूज कुछ तो वो शेयर कर पाए शेयर कर पाए वो डरे नहीं कि हम मम्मी पापा से बोल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे मम्मी पापा हमको फायर कर देंगे मम्मी पापा कुछ हमको बहुत डांटेंगे या कुछ करेंगे ऐसा कुछ ना लगे प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ट्रस्ट वाली बात है कि बच्चा भी तभी ट्रस्ट करेगा अगर उसको होगा कि मैं ये चीज़ बताऊँगा और सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा हमको डांटेंगे नहीं या फिर वो समझेंगे मेरी बात बिल्कुल सही बात है कॉलेज में आने के बाद समस्याएं आती हैं बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएँ आती हैं इसमें कोई दो राय नहीं है तो समस्या तो कौन उसको सॉल्व करेगा यहाँ के लेवल की समस्या होगी बिट्स के लेवल की होगी तो बिट्स की मैनेजमेंट उसको सॉल्व करेगी अगर बिट्स के मैनेजमेंट लेवल की नहीं होगी गार्जियन के लेवल की होगी तो उसको गार्जियन को सॉल्व करना पड़ेगा सॉल्व तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा स्टूडेंट स्वयं भी उसको सॉल्व कर सकता है कभी कभी उसके लेवल की प्रॉब्लम होती है उसकी कुछ हैबिट्स होती है उस हैबिट्स को अपने आप ही वो सही कर सकता है कुछ लोगों का गाइडेंस लेकर के यहाँ पे काउंसलर आते हैं मिस्टर नोबल स्कॉट वो भी ही इज़ ऑल्सो वेरी जेंटल मैन बहुत ही अच्छे आदमी हाँ एमपावर का भी एक हाँ एमपावर एक दूसरा सिस्टम है अच्छा वो।, वो भी हेल्थ हाँ वो अलग है वो वो अलग है तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इस कैंपस में और बहुत सारे बच्चे उसका यूज़ भी कर रहे हैं पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक उसको करें तो हमें लगता है बहुत अच्छी लाइफ बच्चे चार साल जी सकते हैं बेस्ट एक्सपोजर ले सकते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं देश दुनिया देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं उससे बहुत कुछ सीख करके एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं या सो सर थोड़ा सा जैसे अभी हम एक्सपोजर की बात कर रहे थे और इन सब के बारे में तो आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है लाइफ में राइट डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस आपने करे हैं तो आई वुड लाइक यू टू टेल आर ऑडियंस टेल मी अबाउट एक कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ का जिसने आपके दिल पर कोई बहुत गहरा प्रभाव डाला हो मतलब आपको ऐसे याद है अभी तक कि यार वो इंसिडेंट था

तो ऐसे प्लेस पे जाने पे मुझको एहसास हुआ कि बहुत सारे प्लेसेस दुनिया में वर्ल्ड में हैं जो कि रियली बहुत डेवलप्ड हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारा प्लेस भी डेवलप हो सकता है क्यों नहीं डेवलप हो सकता है हो सकता है बिल्कुल हो सकता और फिर दूसरी चीज़ मैंने वहाँ देखी वहाँ के लोगों का वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी जो थाट प्रोसेस है वो मुझको बहुत अच्छी लगी वो लोग कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं कुछ कर रहे होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि मैंने इस रिसर्च से सीखा क्या मैंने क्या सीखा जबकि हमारे यहाँ इस टाइप की टेंडेंसी कम देखी गई है अच्छा जबकि हमारे यहाँ ठीक है पेपर पब्लिकेशन या बहुत सारी और चीज़ें प्रमोशंस और दैट इज़ फाइन नो प्रॉब्लम वो तो उसको वो उसका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए लेकिन जो मेन प्रोडक्ट रिसर्च का हमारा होना चाहिए हमने क्या सीखा हमने कितना साइंस डेवलप किया हमने कितना फिजिक्स डेवलप किया हमने कितना मैथमेटिक्स डेवलप किया हमने उस डेवलप्ड मैथमेटिक्स या फिजिक्स का कितना यूज़ किया या और लोग उसको कितना यूज़ कर रहे हैं ये सब सारी चीज़ें हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रमोशन और पब्लिकेशन और बहुत सारी चीज़ें और उसका तो इम्पोर्टेंस सही है उसमें कोई दो है ही नहीं है तो उनका थाट प्रोसेस उनको बहुत अच्छा लगा वो सिक्सटी ईयर के एक प्रोफेसर थे अराउंड सिक्सटी ईयर्स के आसपास उनके साथ में काम करता था वहाँ पे और उन्होंने एक वर्क फ्राम लोगों का जब कंप्लीट हुआ तो उन्होंने कहा यस मधुकर आई लर्न लॉट आफ्टर डूइंग दिस वर्क यानी सिक्सटी ईयर का प्रोफेसर बोल रहा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा इस काम को करने के बाद तो ये एटीट्यूड उसको बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही फैंटास्टिक एटीट्यूड लगा तो ऐसे जब आप नए नए प्लेसेस जाते हैं नए नए लोगों से मिलते हैं आप नई नई चीज़ें देखते हैं और दूसरी चीज़ बहुत अच्छी लगी वहाँ की मैं जिस प्रोफेसर के साथ काम करने वहाँ पर गया था वो उसको पहले से बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे नहीं। उसके बावजूद भी उन्होंने स्टेशन पर आ के उनको रिसीव किया अपनी कार से मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा मुझको तो लगेगा कि मैं स्टेशन पे जाऊंगा उसके बाद मैं टैक्सी करूंगा उसके बाद मैं अपने होटल में चला जाऊंगा लेकिन वो उन्होंने मेल किया कि मैं आपको रिसीव करूंगा और आए वो हमको उन्होंने रिसीव किया बहुत अच्छा लगा बहुत सारे प्लेसेस पे लोग बहुत वेल बिहेव्ड हैं और एजुकेशनली वो लोग आई मीन काफ़ी एडवांस्ड भी हैं ये चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती हैं बुक लवर्स भी हैं बहुत सुंदर लगता है मुझको बहुत अच्छा लगता है तो हमें लगता है किताबों को दोस्त बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किताबें कभी निराश नहीं करेंगी बुक्स से आप तो प्यार कीजिए और बुक्स बहुत अच्छी चीज़ हैं दुनिया में अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है और आपने आ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके अपने माइंड में रख लिया है तो आप लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे और बहुत अच्छा करेंगे लेकिन अगर उस पर आपने ईमानदारी नहीं बरती है आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की है ईमानदारी से बुक से प्यार नहीं किया है तो शायद फ्यूचर में उसका उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है मैं किताबों के काफ़ी क्लोज रहा हूँ और अभी भी रहता हूँ मैं अभी मेरा ज्यादातर तो टाइम जो है वो पढ़ने में पढ़ाने में ही जाता है तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट सर आए आई टोटली एग्री विद दैट मतलब मैं भी मतलब एकेडमिक बुक्स पढ़ू ना पढ़ू अभी बट मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ता हूं। ठीक है किसी भी टाइप की जिसमें आपका इंटरेस्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है जिसमें आपका तो सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स जो होती है उस पर मैं काफी टाइम देता हूँ अपना

और जब आपको डिसीजन लेने होते हैं उस टाइम अगर नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाता है आपका नॉलेज पहले एडवांस में फीड होना चाहिए आपके माइंड में जब वो डिसीजन लेना पड़े तो फट से उस अप्रोप्रिएट नॉलेज को यूज़ करके अप्रोप्रियट डिसीजन आप ले पाएं ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था कि मतलब नॉलेज ये नहीं कि अभी मेरे काम नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा मतलब उसको हो सकता है फ्यूचर में यूज़ होना हो और यू विल बी रेडी फॉर देट सिचुएशन यस 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 ये क्यूरियासिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज़्यादातर डिस्कवरी दुनिया में ज़्यादातर इन्वेंशन दुनिया में क्यूरियासिटी के बेसिस पे हुए हैं क्यूरियासिटी अगर आपके पास क्यूरियासिटी नहीं है जानने की इच्छा नहीं है आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो हमें लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है हमें हमारे अंदर तो इन्फाइनिइट क्यूरियासिटी है अनंत क्यूरियासिटी है मैं ये भी जान लूँ मैं ये भी समझ लूँ मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ तो हमें लगता है क्यूरियासिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एनी वुड लाइक टेक अवे मैसेज फॉर आर ऑडियंस मेरा मानना ये है कि डिग्री को इम्पोर्टेंस आप दीजिए लेकिन डिग्री के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो भी आपके बच्चे को आनी चाहिए और उसमें एक्सपोजर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरी चीज़ है बच्चों को लोकल बनाने की कोशिश मत कीजिए बच्चों को ग्लोबल बनाइए ये दुनिया ग्लोबल मतलब ये इस टाइम जो टाइम है आज का वो ग्लोबलाइजेशन का युग है आप लोकल जो अच्छी चीजें हैं उसको आप रिटेन रखिए हम नहीं कह रहे हैं कि सबको ला करके करके बाहर से पेस्ट कर लीजिए ऐसा नहीं है है नौकरी कहीं भी भी कीजिए बट एक्सपोजर पूरे दुनिया का होना चाहिए मेरा तो ये मानना बहुत बहुत अच्छा लगा हाँ, बहुत अच्छा लगा लगा सर आपसे बात थैंक्स मुझको ओके